अस्सलामुअलैकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं बटल में और हमने ब्रेक लगाई है दोपहर के खाने के लिए। सुबह नाश्ते में भी हमने सिर्फ एक कप चाय पिया था और अपना अगला सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था। तो अभी ना खाना खाते हैं और उसके बाद हम अपना अगला सफ़र स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पहाड़ों के नज़ारे। तो खाना इस टाइम हम खा चुके हैं और ये ढाबा है, इनका देसी किस्म का खाना है। यहाँ पे हमने इनसे गोश्त की एक प्लेट लगवाई थी जो बड़ी मज़ेदार किस्म की इन्होंने बनाई हुई थी देसी। तो खाना से हम फुल हो गए हैं, ये है जी हमारा शाहीन और हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना आगे का सफ़र। तो ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स क्योंकि आप सबको पता है बहुत ज़रूरी चीज़ है एक बाइकर के लिए, और ग्लव्स बहुत ज़रूरी चीज़ है बाइक ट्रैवलिंग में। एक तो ये सेफ्टी होती है, खुदा ना खास्ता बाइक स्लिप हो जाए तो आपके हाथ पे चोट नहीं लगती। तो चलें अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। यार सीन हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ था, कल रात को हमने लाहौर से निकलना था तो बारिश इतनी तेज़ थी जिसकी वजह से हमने सोचा यार जीटी रोड पे बाइक पे बहुत खुआरी हो जाती है वो भी बारिश में। तो हमने क्या किया, हमने अपनी बाइक रखी बस में और अपना थाकोट तक का जो सफ़र है वो हम बस पे कर रहे हैं। सुबह हम 8 बजे पहुँचे थे थाकोट पे, वहाँ पे पहुँच के हमने नाश्ता किया, नाश्ता तो नहीं किया बस चाय पी थी। तो चाय पीने के बाद हमने अपना सफ़र जो है वो आगे से जारी किया। तो सारे रास्ते में बारिश मिली जिसकी वजह से मैं आपके लिए कुछ काफ़ी किस्म के शॉर्ट्स बना भी नहीं सका। तो अब ये है कि आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं और इन्जॉय करें हमारे साथ, आपको सारी रास्ते की गाइडेंस भी देती हैं। इस टाइम हम बटल से जा रहे हैं नलतर की तरफ। हमारा इरादा है कि हम नलतर जा के नाइट स्टे करेंगे। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना आगे का रास्ता। बड़ा मज़ेदार किस्म का व्यू है, यहाँ पे नीचे से दरिया बह रहा है और चलें इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, उसके आगे हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। यार असल में राइडिंग तो बंदा हर जगह करता है लेकिन पहाड़ों में राइडिंग करने की बात ही कुछ और है। कैसे बड़े बड़े पहाड़, ग्रीनरी, दरिया, अल्लाह की कुदरत, माशाल्लाह दिल हमारा सुभान अल्लाह कह कह के नहीं थकता। ओए होए होए यार आप ये घर चेक करें, कैसे स्ट्रेट पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ के लोग इस तरह रहते हैं, ऐसी ज़िंदगी है लोगों की। कैसा मज़ेदार किस्म का मौसम है, हल्की हल्की सी ठंड हो रही है और पहाड़ों पे हम बाइक चला रहे हैं। ओए होए होए ये चेक करें यार आप, पहाड़ी बकरे इनके जो पाए हैं, आहा हा हा हा, खाने की चस आ जानी है। तो यार अब हम इंटर हो चुके हैं ये खौफनाक सी टनल में। आप देखें ये असल में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, न्यूली बन रही है अभी ये। तो अभी इसके अंदर से गुजरते हुए इतना कोई खौफ आ रहा है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, बस हम ही जाई जा रहे हैं। और आलमोस्ट तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ये टनल है। टनल से निकलते साथ ही यार दासू के मकाम पे हमारे साथ ये सीन हो गया है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने रास्ता बंद किया हुआ है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में देख सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है पहाड़ पे से और जिसकी वजह से आगे से रोड ब्लॉक है। तो अब देखते हैं हमें आगे जाने दिया जाता है या क्या सीन बनता है। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं हम यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब देखें क्या बनता है, आपको मैं साथ साथ वीडियो में बताता जाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कल लैंडस्लाइडिंग की वजह से और कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से हमारा
जो स्टे है वो हमें एक ढाबे पे करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे कोई आसपास होटल भी नहीं था, एक ढाबा ही मिला जहाँ पे चारपाई मिली और हम वहाँ पे रजाई लेकर सो गए। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। खैर, जैसे तैसे करके हमने रात गुजारी और अब हम अपना आगे का सफ़र नलतर वैली की तरफ शुरू कर रहे हैं। कल का हमारा आधे से ज़्यादा दिन जो है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़ाया गया। सारा दिन हम खड़े होकर इंतज़ार करते रहे, अब रास्ता खुले, लेकिन रास्ता जो है वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमने यही सोचा कि यार स्टे कर लेना बेहतर है। तो चलें अब चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब और नज़ारे करते जाएं हमारे साथ। और जो जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। इस टाइम हमने जी ये होटल पे नाश्ते की ब्रेक की है। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है और उसके बाद यहाँ से हम बिलगिट की तरफ जाएंगे। ये यहाँ से फ्यूल भी अभी डलवाते हैं। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं, हज़ारा मानसेरा होटल है ये, इनकी चाय बहुत मज़ेदार होती है, दूध पत्ती मैं इनकी लाजमी पीता हूँ जब भी यहाँ से गुजरता हूँ। यार ये जो रोड है ना, इंजॉय करने वाले रोड है, इस रोड पे मेरा मीटर की जो सुई है ना वो रुकी हुई है, क्योंकि मेरे इस टाइम मीटर केबल ख़राब है और इस टाइम ऑलमोस्ट मैं 80-90 की स्पीड पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे रोड बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिले भी हैं तो देखें फ़ौरन जो है उसके बाद कच्चे रास्ते भी बीच में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहाड़ आप देखें, ये है लैंड स्लाइडिंग एरिया। चिलास से आगे तकरीबन 1.25 घंटे का ये रास्ता है जो इस तरह होता है, और बारिश के टाइम, अगर आप बारिश के दिनों में आएँ तो यहाँ पे ये सारी मिट्टी जो है बारिश के पानी के साथ बह के रोड पे आई होती है और दलदल बनी होती है, तो जिसकी वजह से ड्राइविंग करना बहुत दुश्वार गुजार होता है और बड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो ये देखें किस तरह मिट्टी के पहाड़ और सड़क पे भी मिट्टी है। जब जहरी बात है इस पे बारिश का पानी पड़ेगा तो ये दलदल बन जाएगी, और दलदल पे जब गाड़ी का टायर घूमता है तो वो फिर एक ही जगह पे घूमना शुरू हो जाता है और गाड़ी वहीं पे जाम हो जाती है। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें बहुत अच्छा मौसम मिला है, धूप भी है, हल्की हल्की ठंड भी है, अक्टूबर का महीना जो है वो एंड हो रहा है, तो बड़ा मज़ेदार किस्म का मौसम है। अभी मैं लैंडस्लाइडिंग की बात कर ही रहा था तो ये देखें आप, हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते ऊपर से शायद कोई जानवर गुजर रहा होगा या किसी भी तरह से ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो हैं वो नीचे दरिया में गिरे हैं। तो मैंने सोचा बाइक रोक के आपको भी दिखा दूँ। ये छोटा सा ढाबा बना हुआ है, साथ वॉशरूम्स, और चलें आगे चलते हैं। आगे हम पहुँच चुके हैं जी रायकोट ब्रिज पे। ये है रायकोट ब्रिज जो कराकरम हाईवे को गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाता है। ये ब्रिज है रायकोट, इसका नाम है, और ये रायकोट ब्रिज क्रॉस करते साथ ही कारपेट रोड शुरू हो जाता है शाहराए कराकरम का, जो आपको सीधा गिलगित बल्तिस्तान लेके जाता है। तो चलें सबसे पहले तो हमारे पास देखने को क्या आएगा, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। तो अभी हम चलते हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे स्टे करते हैं और आपको नांगा पर्वत के मज़ेदार किस्म के व्यूज़ दिखाते हैं कराकरम हाईवे से। ये रास्ता जा रहा है अस्तोर की तरफ, जो आप सबको पता है अस्तोर, मिनीमर्ग, चिलम चौकी, देवसई से होता हुआ स्कर्दू जाता है ये रास्ता, और यहाँ पे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन वापसी पे ये उन्होंने राउंड अबाउट सा बनाया हुआ है। तो यहाँ से राइट साइड पे मुड़ जाएं तो हम पहुँचेंगे सीधा अस्तोर, मिनीमर्ग, देवसई, चिलम चौकी, ये जगह हम इस रास्ते जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने अभी आगे जाना है तो हम अपना सफ़र जो है आगे की तरफ जारी रखते हैं, गिलगित की तरफ। अभी कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे नागा पर्वत व्यू पॉइंट पे, तो वहाँ के आपको व्यू चेक करवाते हैं। यार आप व्यू चेक करें सामने, कैसे पहाड़ की सीनरी है और कैसे सामने ब्लू कलर का आसमान, देख के दिल को ठंडक पड़ देती है। कैसी कुदरत है, मेरे मौला की शान है। अच्छा फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे, जस्ट
3 से 4 मिनट का रास्ता रह गया। तो बात असल में ये है कि ये व्लॉग जो है मेरा बहुत लंबा हो गया यार, तकरीबन 12-13 मिनट का हो गया। तो आप सब भी देख देख के बोर हो रहे होंगे, तो मैं इस व्लॉग को यहाँ तक एंड कर रहा हूँ। और अगले एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा नांगा पर्वत से नलतर वैली का टोटल रास्ता किस तरह है, और बाइक पे हम इजीली कैसे जा सकते हैं, और वहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते नांगा पर्वत व्यू पॉइंट के ड्रोन शॉट्स लाजमी इंजॉय करते जाएं। मेरी वीडियो के एंड पे ड्रोन शॉट्स लाजमी देखें, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले मेरे अमेजिंग किस्म के जो व्लॉग्स हैं वो आप इजीली देख सकें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।